जय हिंद दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गया हूँ, जो कि एसएससी जीडी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। दोस्तों, आप सबका बहुत दिन से कमेंट भी आ रहा था कि सर क्या एसएससी जीडी का एग्जाम पोस्टपोन्ड होने वाला है। दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है और एसएससी आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। दोस्तों, आपका एग्जाम डेट सेम है, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। दोस्तों, अभी केवल आपको सेंट्रल रीजन का ही एडमिट कार्ड आया है। जैसे ही दूसरा रीजन के आ रहा है, आपको वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको सभी जानकारी यहाँ पर। जब तक एसएससी जीडी का भर्ती पूरा कंप्लीट नहीं होता है, सभी जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर सभी जानकारी आपको सही और सटीक दी जाती है। दोस्तों, चलिए एक एक करके जानते हैं कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं, जो कि यहां पर डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर कांस्टेबल जीडी लिखा है, इस पर आना है। दोस्तों, आज ही के डेट में इशू किया गया है, यह कोई फेक वीडियो नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं, आपको 5 नवंबर 2021 इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं। देखिए, यह क्लिक किया, दूसरा पेज ओपन होकर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आएगा। देखिए, यहां पर आ गया, आपको हिंदी में लिखा है। दोस्तों, आपका निर्देश क्या करना है कि आप कितना फोटो ले जाना है, आपको कौन आई कार्ड ले जाना है, जो कि वहां पर पहचान के लिए, आप यहां पर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए, नीचे में आपको क्लिक हेयर लिखा है, जो कि डाउनलोड एडमिट कार्ड के लिए, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करते ही आपका दूसरा पेज इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। नीचे में आइएगा तो आपको यहाँ पर यूपी और बिहार लिखा है एग्जाम सेंटर, जो कि यहाँ पर नीचे में प्रोसीड पर क्लिक करना है। देखिए, प्रोसीड पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो इस प्रकार से पेज ओपन होकर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या नेम से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर में देखिए दोस्तों, कोई फेक वीडियो नहीं है, वीडियो है जो कि हम ओरिजिनल ही बताएं, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूं, खुद इसमें फॉर्म अप्लाई किया हूं। दोस्तों, आप जाइए, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपका एग्जाम सिटी जो डाले थे फॉर्म के समय, यहां पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही सर्च पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड इस प्रकार से डाउनलोड होकर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो नीचे में आइएगा, आपका ऑप्शन है जहां पर आप 4 डिजिट आपको अपना नेम डालना है, और वही आपको 4 डिजिट आपका फादर नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सिटी सेलेक्ट करना है और सर्च पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप जाइए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आए, या इस भर्ती के बारे में हमसे कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला वीडियो में मिलते हैं किसी खास जॉब अपडेट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।